नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक आपके लिए बहुत ही लो बजट में होली स्पेशल मिठाई, अंगूर की मिठाई लेके आई हूँ। तो आप और हम इसको रेसिपी को सीखते हैं। देखिए, ये मैंने 1 किलो अंगूर मैं लेके आई थी और मैंने ये धो के बिल्कुल साफ़ करके रख लिए हैं। ये सारे अंगूर मैंने इस ग्राइंडर जार में डाल दिए। कप से मैं 1 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। यूँ तो अंगूर बहुत जूसी होते हैं, लेकिन फिर भी इनका हमें अच्छा रस मिल जाए तो इसलिए मुझे इसमें 1 कप में, छोटे कप से 150 ml से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, तो इतना ये इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए, ये अंगूर का एक बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन गया है और इसे मैं ये मोटी जाली वाली छलनी में इस पेस्ट को डाल रही हूँ। ये इस तरह हमने अंगूर का पूरा जूस छान लिया है और इसका छिलका जो है एकदम वेस्ट मटेरियल ये बचा हुआ है, इसको हम फेंक देंगे। अब मैं इस मेजरिंग कप से इस जूस को नापूंगी। ये देखिए कितना जूस बना हुआ है, करीब 3 कप ये जूस हमारा तैयार हुआ है। 3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4.25 कप ये मेजरिंग कप से जो है अंगूर का फ्लोर में इसमें मिला रही हूँ। कॉर्नफ्लोर मिला के इसको हमें धीरे धीरे इस तरह से चलाना है। इसमें एक भी किसी प्रकार की गुठली नहीं पड़नी चाहिए। तो पूरा कॉर्नफ्लोर में धीरे धीरे इस तरह से इसमें अंगूर के रस में इस तरह पूरा कॉर्नफ्लोर मैंने इस अंगूर के जूस में मिला के रख दिया है। अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसी मेजरिंग कप से, जिस कप से मैंने जूस 3.25 कप लिया था, 4 कप लिया था, 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया और 2 कप मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। दो कप शुगर डालने के बाद मैंने 1 कप इसमें पानी डाल दिया। ऑन करती हूँ। धीरे धीरे मैं इस शुगर को इसमें इस तरह से चलाऊंगी। ये 4-5 मिनट चलाने के बाद ये शुगर की चाशनी हमारी जो है, चीनी की चाशनी बिल्कुल तैयार हुई और हाथों में हल्का सा ये काला सा कॉर्नफ्लावर मिला के रखा था। अब मैं उसको इस शुगर में धीरे धीरे इसको इस तरह से ऐड करूंगी और साथ में इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ने का बहुत डर रहता है। कॉर्नफ्लावर एकदम गाढ़ा होने लगता है, इसको आपने अगर हाई आंच में रखा है तो इसको फटाफट चलाना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरह से कॉर्नफ्लावर जो है गाढ़ा होने लग गया है, तो इसे लगातार हमें चलाते रहना पड़ेगा। 2-3 मिनट पकने के बाद ही इस तरह का हमारा ये अंगूर और कॉर्नफ्लावर का जो है मिक्सचर जो है इस तरह से गाढ़ा हो गया है। अभी अभी अंगूर के अपने नेचुरल कलर में है तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर मिला के एक बहुत ही अच्छा इसको कलर, 1 पिंच करीब, मुझे लिक्विड वाला कलर तो मिला नहीं, मैंने 1 पिंच ग्रीन कलर को पानी में घोल के रखा है, तो मैं इसको हल्का इसमें डालूंगी। मिलाने के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह पकाना है। दोस्तों इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। ये अभी कढ़ाई को छोड़ नहीं रहा है ना, तो ये कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा घी डालते ही। 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया। देखिए, घी डालते ही इसने एकदम कढ़ाई को छोड़। बाकी का ये मिश्रण मैंने इस गिलास में भर दिया है और मैं इन दोनों को, गिलास और प्लेट वाले को, दोनों को इनको सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए, मेरी अंगूर की मिठाई बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, जो मैंने इस प्लेट में सेट करने को रखी थी। 3-4 घंटे के बाद ये बिल्कुल इस तरह से तैयार हो गई है। कितनी सुंदर दिख रही है। दोस्तों, मैं ये होली स्पेशल अपनी इस मिठाई को इस तरह से छोटे छोटे पीसों में कट कर लूँगी। बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा हुआ है। और आप इसको आराम से 10 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं, अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी शाइनी बनी है।
बिल्कुल कम बजट में आपकी ये 1 किलो मिठाई जो है बनके तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत मज़ेदार, बहुत फर्स्ट क्लास और एकदम शुद्ध ये मिठाई अंगूर की आपके पास ये बनके तैयार हो गई है। खूब होली में खिलाइए और खूब खाइए और बहुत ही लो बजट में ये हमारी मिठाई बन गई है। दोस्तों जो मैंने ये ग्लास में मिठाई को जमाने के लिए रखा था, अब मैं उसे इस तरह से निकाल रही हूँ। ये देखिए पूरी मिठाई इस तरह से निकल गई है और मैं इसे गोल पीस में, अलग अलग तरह के पीस में बुरादे से कोट करके, ये मैंने इसको नारियल के बुरादे से कोट करके इस तरह से गोल पीसों में काट लिया है। और सर्व करते समय आप इसके ऊपर एक एक काजू की गार्निशिंग भी कर सकते हैं या पिस्ता। मेरी दो तरह की अंगूर की बर्फी बनके तैयार हुई, अंगूर की मिठाई बनके तैयार हुई है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।